न्यूज़ नंबर वेख रहे सारे दर्शकों का मैं शाइना शर्मा स्वागत करती हाँ। तो गल करते हाँ उन मुद्दों की जेडे सोशल मीडिया से काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। सब तो पहला गल करते हाँ निकिता तोमर हत्याकांड की, जिते हुण बॉलीवुड के कई सितारे भी हुण निकिता तोमर की हत्या से अपना गुस्सा जाहिर करते हुए नज़र आ रहे हैं। हरियाणा के बल्लभगढ़ च एक यहोजी घटना वापरी सी जिथे बीकॉम की स्टूडेंट निकिता तोमर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई सी, जिहदा विरोध पूरे देश च वेखण नूं मिल रहा है। एक घटना तो बाद जिथे राजनीति शुरू हो गई है, उत्थे ही हुण बॉलीवुड के कई सितारे भी हुण निकिता तोमर की हत्या से अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। अदाकारा स्वरा भास्कर ने ट्वीट करते हुए इस घटना की आलोचना की, लिखा बहुत डरावना, पुरुष प्रधान समाज से सहमति लेना जहर क्यों लगता है। उन्होंने लिखा कि खुशी है कि तौसिफ नूं गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्थे ही अदाकारा रणवीर शौरी ने भी ट्वीट करते हुए कहा कि हैरान करने वाला, मेरा मानना है कि सज़ा भी इन्नी दर्द भरी होनी चाहिए है, निकिता दे लई न्याय। अदाकारा कंगना रनौत ने भी ट्वीट करते हुए लिखा कि निकिता की बहादुरी रानी लक्ष्मी बाई ते पद्मावती तो घट नहीं है, जिहादी हत्यारा निकिता नू नाल ले जाना चाहता सी, वह चाहती तो जा सकती सी लेकिन निकिता ने मरना पसंद किया। देवी निकिता हर हिंदू महिला लई गर्व ते सम्मान की तरह है। अमरीका के बोस्टन च होने वाले इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन वर्चुअली किया गया सी, ते इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल च 15 भाषा की 110 तो भी ज़्यादा फिल्मों प्रदर्शित किया गया। इस फेस्टिवल च बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ओम पुरी नू भी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार नाल सम्मानित किया जाएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का पुरस्कार ओम पुरी की पत्नी नंदिता पुरी नू दिता जाएगा। तुहानू दस दिए कि ओम पुरी की गिणती हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता के रूप से की जाती है। उन्होंने अपनी हर फिल्म च शानदार अभिनय किया। साल 2017 उन्हों का निधन हो गया सी, पर उन्होंने निधन तो बाद भी ओम पुरी की 9 फिल्मा रिलीज़ की गई सी जिन्हों वो वेख नहीं सके। किसानों का खेती बिल के खिलाफ प्रदर्शन तो काफ़ी दिनों तो चर्चा च है, लेकिन शंभू मोर्चे के मूहरे आगू एडवोकेट हाकम सिंह ने खालिस्तान के नारे नूं लैके वापरे सारे घटनाक्रम बारे लोगों अगे अपना पक्ष रखिया ते कहा कि उन्हां दा मकसद किसी की भावनावां नूं ठेस पहुँचाना नहीं सी, बल्कि वह उन्हां लोगों की भी भावनावां की कदर करते ने जेड़े खालिस्तान की मांग करते ने। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि सरकार पहला ही अंदोलन नूं तारोपीड करना चाहती सी, इहोजा घटनाक्रम सारे अंदोलन लई मुसीबत बन सकता है, इसलिए उन्होंने उस नौजवान नू पुलिस हवाले किया सी। की हुंदा कि फेसबुक ते बयान जिहड़े दागने ने वह बड़े औखे होंदे ने, और जिहड़ा हैगा कि मोर्चे चलाने वह फेसबुक ते बयान दागने बड़े सौखे ने, मोर्चे चलाने जिहड़े बड़े औखे ने। मोर्चे नू बदनाम करन वाले विरोधी जिहड़े चैनल ने वह इन्हां नू कुत्तियां वांगू जिवें खबर नू सूंघदे रहिंदे ने। जो हर पल साडी कोशिश होंदी है कि सब कुछ ठीक चलता रहे, कोई नमोशी वाली गल ना होवे, कोई जिहड़ी ऑफ द ट्रैक गल ना होवे, पर सानू इह अफसोस है कि साडियां कोशिशां नू समझण दी बजाय कुछ लोगों ने सानू साडे उत्ते ही मोर्चा खराब करन दे जिहड़े ना वह दोष ला दिते ने। ये जिहड़े बंदे ने आके मोर्चे विच खालिस्तान दा नारा लाया, ये बिना जाने कि वह कौन है, उनकी की मंशा है, किस मंशा दे नाल मोर्चे विच नारा लाया गया, उनू हीरो बना दिता गया। असी जिहड़े एक महीने तो मोर्चे दा प्रबंधन कर रहे हाँ वह असी दोषी समझ ले गए। यह सवाल है कि मोर्चा किसान अंदोलन के सहयोग के लाया गया सी, किसान का नाम लैके लाया गया सीगा, और उसके सिर्फ और सिर्फ जिहड़ा किसान का जिहड़ा वैक्यूम क्रिएट होया पंजाब का उनके समर्थन के जिहड़ा मोर्चा लाया गया सीगा। जे किसान अंदोलन के समर्थन के मोर्चा लाया गया सी तां उत्थे खालिस्तान का मुद्दा किवें आ गया। दूजी गल कि जिहड़ा नौजवान ने खालिस्तान का नारा लाया उन्हें माफ़ी नाल दी नाल मंग ली, तुसी मीडिया चैनल दे उत्ते वेख्या, जिहड़ा बंदा खालिस्तान का नारा ला के उसनू अपनी गलती दस रहा है वह खालिस्तान का शुभ चिंतक किदा हो सकता, तुसी उन्हूं उंदा हीरो किदा बना सकते हो। इहो जिहे डरपोक बंदे की खालिस्तान बनाणगे जिन्हां दीआं लत्तां इक नारे दा भार नहीं चलदियां। असीं तुहानूं दसना चाहांगे कि इहो जिहे शरारती अनसरां ने पहलां भी रोज़ वांग आउंदे ने मोर्चे नूं खराब करन दी कोशिश करदे रहे ने बहुत समय तो लग रहा। मैं ते हरप्रीत वीर ने उहनां नूं जिहड़ा मुंडा सीगा उहनूं बाहर लैके आंदा, उस तो पहलां कि इक ट्रैक्टर वाला इक शराबी सीगा उहने उत्थे जाम लाया हुआ सीगा, मैं जिवें ही उधरों छड्डन लई आया इधरों जिहड़े इत्थे प्रबंधक सीगे जिहड़े मुंडे सीगे उन्होंने फड़ के वह मुंडा मैनू दिता, मैं उत्थे पुलिस वाले जिहड़े आए उन्होंने मैं कहा कि उन्होंने जिहड़ा मुंडा सीगा हैंडओवर किया। वो जिहड़ा कोई भी हर रोज़ की हुंदा कि शराबी लोग शाम नूं आ जांदे ने उन्हूं जिहड़ा कि इहनूं खराब करन दी कोशिश कीती जांदी, साडा मकसद उन्हूं गिरफ़्तार करवा के ये जानना सीगा कि उन्हूं कि एजेंसी ने भेजा,
ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸੰਘ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਓਗੇ? ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਮਿੱਤਰੋ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੋਟ ਅਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਕਾਂਡ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਧੇ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੰਜਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ RDF ਯਾਨੀ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਰ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਰਲ ਸਚਿਵ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਖਰਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ RDF ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ। ਕਿਆ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਕਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ RDF ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੇਵਲ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਏਗਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਜੇ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ 'ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ? ਕਿਆ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣਾ ਗਲਤ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਭੇਜਿਆ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਰਿਹਾ ਕੀ? 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। 303 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਰ ਬਾਂਡ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਡਕੈਤੀਆਂ ਵੱਜ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਕੁਝ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਅਪਡੇਟਸ। ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਜਾਣਨ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨਿਊਜ਼ ਨੰਬਰ ਨਾਲ।